माँ यहाँ पे खड़ी है। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी खबर देनी है। आज मैं इसको लिवा के जा रहा हूँ दवा के लिए। ये देखिए, दवा लेने के बाद हम लोग बड़ी माँ से मिलने के लिए, जो कि इसकी बड़ी माँ है, काफ़ी दिनों से ये मिलने के लिए बोल रही थी। अगर ऐसा चांस हुआ तो हम मिलेंगे आजमगढ़, या तो डॉक्टर के यहाँ या तो फिर बड़ी माँ के पास। तब तक ये वीडियो चालू रहेगी, रास्ते में आप लोग देखते रहें। और मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, ये मोबाइल पकड़ के रखेगी। हेलो दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग रास्ते में मिलेंगे लाइव, तो अभी हम लोग घर से 20 किलोमीटर दूरी पे आ गए हैं और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये फोन पकड़ के रखिए। और हम लोग अब आ गए मेन हाईवे पे। ये है आजमगढ़ टू फैजाबाद हाईवे, और इसी रास्ते से दिल्ली के लिए भी मतलब बसें जाती हैं। बस से अगर जाना हो तो ये हाईवे है, और ये राइट साइड पे एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, और यहीं पे बड़ी मम्मी है और करण है। निकल गया लोग कहाँ के लिए? मंदिर। तो यहाँ पे वो लोग आए थे पेट्रोल पंप भरवाने, हम लोग सबसे पीछे से सरप्राइज देंगे, ऐसा हो नहीं पाया। मुझे लग रहा है कि वो बड़ी माँ को लेकर करण आगे निकल गया है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वीडियो ऑन रहेगी। इस टाइम का मूवमेंट कमाल का है दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, मम्मी रो रही है। यहाँ से चला जाए मम्मी कहीं और, देखे मंदिर पे चला जाए कप्तानगंज। चलिए चलो 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 बैठो। और देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये भी जो है हल्का हल्का इसकी भी आंखें भर आई। और
और हम लोग यहाँ से चल रहे हैं कप्तानगंज एक मार्केट में, पंचदेव मंदिर है वहाँ पे। ये फोन पकड़ो, हो जाएगा कप्तानगंज में। अरे पूछ मत कर देना, पकड़ो ना, क्या दिक्कत है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अभी मिलते ही माँ लगी रोने एकदम से। पहुंच गए हैं पंचदेव मंदिर पे। मम्मी इधर हैं, अब फोन रखो। चलो ठीक है, हमने सोचा नहीं पड़ी थोड़े घर में काफी अच्छी सीन है यहाँ पे। बैठने लायक जगह है कहीं पे? यहाँ पे, यहाँ पे है एक चबूतरा। चल गया बा, ये बंदर। और यहाँ पे काफी ढेर सारे बंदर हैं। सामने के कैमरे दिखाते हैं। अरे अरे राजा मत, माफ कर यार राजा। अरे अरे बाबू पानी मना ले दे, वो फोटो खींचा था तब चिटिक गया एकदम। चला चला तू नहीं ना मत खाला दस रूपी खा लेता घरे जाइया। 24 घंटा चौबीस घंटा एक बोल रही। हाँ भाई, नहीं हाल चाल का है, तुरंत अपने घरे चला। भाई तू साइड हटा, फिर दूसरा ही है दूसरे जने। भाई नहीं बतावा कौन बात किया। फिर भाई नहीं तू साइड हटा। हाँ। तो हम कहीं ऐसे को कहीं भाई नहीं तो अपने घरे जा, कौन जरूरत ना मिले। सब ये पूछा ला कहो बहनी दीदी मंगाओ ना रूप कहे ना रूप एक जने जवान हुआ कि आवा ही ना दे, एक जने जवान हुआ कि आवा ही ना दे। रूपा को ना कहला कि ना आवत कहला को है ना आवे दे। हाँ सही कह रही हूँ। हाँ तो अरे भेज देती है। ठीक है कौन बात नहीं। हाँ जे पूछे तो सही है कहा बहनी उभ ना आवे। ठीक है दोनों माँ बेटी बैठी हैं यहाँ पे और बातचीत एक दूसरे से चल रही है। क्या खाएंगे? बनर्जी का चाट पानी पूरी। कहाँ पे बनाता है? कहाँ है चौका? यहाँ पे नहीं। हाँ तुमको पता है? अरे हम लोग खाए। ये है पंचदेव मंदिर और ये सामने करण खड़ा है। ये कौन सा भगवान का मंदिर है?
ये दूसरे भगवान है, थोड़ा सा हट के हैं, और ये मेन मंदिर है। मंदिर के अंदर कुछ जो है भक्तगण बैठे हैं अंधेरे में। कोपिली में मंदिर है बड़ा अंदर। मछली है सोने का नथनी पहनी है। ओ हाँ। सच्ची में सोने की नथनी पहनी है। अच्छा कोई टाइम है ना, पता नहीं कौन सा टाइम है, मतलब कितने बजे कोई पंडित जी जलपरी है का। जब पंडित जी बुलाते हैं तब वो आती है। कहाँ है ताल? ताल है कि पोखरा? अरे ताल है, छोटा सा पोखरा। अरे यार तू तालाब होगा छोटा सा, बहुत डबल पोखरा रहल अब छोटा हो गया। तो चलिए चला जाए, ये आप लोग बैठेंगे जाइए करके फोटो मत खींचो बनता है। व्यूअर अच्छा, व्यू अच्छा आएगा। जाइए कर लीजिए अभी, हाथ से दौड़ाएंगे वहाँ। अरे अरे हाँ ठीक, बंदर का मत निकालिएगा। और यहाँ के मंदिर के अंदर एक कोई छोटा सा तालाब है जहाँ पे मछलियाँ हैं ढेर सारी। जहाँ देखो वहीं बंदर है। और सामने सीन कितनी जबरदस्त है, काफी काफी गहरा है। 10 फीट तो ऐसे ही हो गया, 10 फीट से ज्यादा। और ये देख रहे हैं सामने मछलियों का ढेर है यार वहाँ पे। नीचे चल सकते हैं? नीचे चल सकते हैं तो नीचे चल के थोड़ा सा देखा जाए। सीढ़ी काफी ऊंची ऊंची है इसकी। अरे 10 फीट से गहरा है, 10 फीट से कई ज्यादा गहरा है। कोई और जीव नहीं ना इसमें रहता है? नहीं दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम लोग मछलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी है, ध्यान से देखने पे दिखेंगी, किनारे नहीं है सब। मतलब होते 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 आगे जाके कुंड में छोटा सा है, एक बड़ा सा इतना। मतलब ये जो चौड़ाई है ये हवन कुंड की टाइप का है ये पोखरा। तो नीचे जाते जाते छोटा हो गया यार, तब तो ये 50 फीट से ज्यादा जो है गहरा हो गया। अगर नीचे जाके ऐसे एक चौथाई मतलब एक बित्ता इतना इतना अगर वो होगा तो सीढ़ी बन के ही ऐसे नीचे तक गया है। हाँ अभी पहले आया था, 1 महीने पहले पूरा भरा था ऊपर। मतलब ये एक तरीके से हवन कुंड ही है, मतलब इसमें इस टाइम पानी भरा है। और सीढ़ी अंदर नजर भी आ रही है थोड़ा सा देखने पे, तो इसका मतलब है कि ये हवन कुंड है। और नीचे 1 फीट जहाँ पे बचेगा अंदर जाने के बाद, वहाँ पे जो है इसकी गहराई ख़त्म होगी। मतलब अभी हम लोग इतने पे हैं तो करीब 10 फीट से ज़्यादा जो है, 10 फीट से गहरा है ये इस टाइम जहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ से लेके ये ऊंचाई 10 फीट हो गई बड़े आराम से। तो 10 10 अरे 50 फीट चला जाएगा यार, 50 फीट गहरा। इस पोखरे की सीढ़ियाँ जो है, एक सीढ़ी 2 फीट करीब है ऊंचाई एक सीढ़ी की, उस हिसाब से देखा जाए तो 50 फीट तो हो ही जाएगा आराम से। तो बहुत ही अच्छा सकता है सामने एक क्या दो 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 बंदर हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे निकला जाए। ये आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए, और डंडा से ही डरेगा ये। बिना बात के पो पोकारे खजुली मास्टर। अरे दचियरवा साला है, सब बंदर हैं। बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए, सब खतरों के खिलाड़ी हैं। इनसे जो डरेगा उन्हीं को सब डराएंगे धमकाएंगे, जो भी है। जो नहीं डरा समझो वो बच गया। मेन मंदिर यही है ना। अच्छा यहाँ पे कोई कथा सुन रहा था क्या? हाँ एंगेजमेंट थी लग रहा है, मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी ना।
यहाँ पे मत लगाओ, दुकान पे बैठ के लगाना अंदर थोड़ा पंखा में। चलो अब चला जा पाऊंगी, चला जा। सही है, ये तो सबसे अच्छी एरिया है। गर्म हो रहा है यार। अरे यार बंदर आ गया यार। नहीं फोटो खींच दे यार। फोटो नहीं खींचेंगे अपन का, वीडियो चल रहा है इस टाइम। और आप लोगों ने देखा जैसे हम लोग पहुंचे, माँ बेटी दोनों चुप हो गई। अच्छा आपकी बुराई। मेरी बुराई? हाँ। बहुत अच्छा, पहली बार ऐसा कोई हुआ है सुनने में आया कि मेरी बुराई हो रही है। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। दिल से वेलकम। तो चला जाए। एक फोटो क्या, 10 फोटो वहाँ पे थोड़ा सा गार्डन के टाइम बेस में। और देखो एंगेजमेंट चल रही है, आई मीन मुँह दिखाई ये अंदर। ये जो लड़की सूट पहनी है इसी का लग रहा है हो रहा है, या तो इसका या तो बगल वाली जो लड़की साड़ी पहनी है उसका होगा। साड़ी वो तो सिंदूर में पहनी है। हाँ हाँ हाँ, ये लड़की ये बगल वाली देखी है, गुलाबी कलर वाली। तो चलो जल्दी से हम लोग चला जाए उधर, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है उधर, फोटो हो जाए। हाँ तो चलिए ना बाजार में। हाँ तो अब और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए फोटो शूट होगा, वीडियो यहीं पे आप लोग साथ में बने रहें। फोटो शूट होने के बाद हम मिलते हैं।